द आई एम एफ़ एंड द वर्ल्ड बैंक व डिज़ाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज स्टूडेंट्स आई एम एफ़ और वर्ल्ड बैंक को इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए मीन्स पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था डिज़ाइंड का मतलब होता बनाया गया था और फाइनेंशियल नीड्स क्या होती हैं पैसे से संबंधित ज़रूरतें मीन्स आई एम एफ़ और वर्ल्ड बैंक को सिर्फ इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की पैसे से संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था दे वर नॉट इक्विप टू कोप विद द चैलेंज ऑफ पावर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द फॉर्मर कॉलोनीज फॉर्मर कॉलोनीज कौन थी कौन सी थी स्टूडेंट्स फॉर्मर कॉलोनीज थी जो आपके पुराने गुलाम देश थे अफ्रीका और एशिया के जो अब आज़ाद हो चुके थे तो उन फॉर्मर कॉलोनीज़ के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कुछ नहीं किया मींस जो पावर्टी थी फॉर्मर कॉलोनीज़ में और जो लैक ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट की कमी थी उन चीज़ों को दूर करने के लिए आईएमएफ ने कुछ नहीं किया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक सिर्फ किसका भला करते थे वो करते थे इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ का यहाँ यहाँ पर देखा इक्विप्ड टू कोप कोप का मीनिंग हो गया मुकाबला करना इक्विप्ड का मतलब हो गया काबिल नहीं होना तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इक्विप्ड नॉट इक्विप्ड काबिल नहीं थे टू कोप मुकाबला करने के किस चीज़ के साथ जो आपके फॉर्मर कॉलोनीज़ के अंदर पावर्टी थी उस चीज़ के साथ और डेवलपमेंट की कमी थी उस चैलेंज को वो दूर नहीं कर सके सिर्फ़ उन्होंने इंडस्ट्रियल नेशंस का भला किया बट एज़ यूरोप एंड जापान रैपिडली रिबल्ट देर इकोनॉमीज़ दे ग्रो लेस डिपेंडेंट ऑन द आई एम एफ एंड द वर्ल्ड बैंक लेकिन जैसे ही जापान और यूरोप ने रेपिडली मीन तेजी से अपनी इकोनॉमी को रिबिल्ट किया तो है ना अब वो कम निर्भर रह गए आई एम एफ़ और वर्ल्ड बैंक के ऊपर मीनस शुरुआत में तो यूरोप और जापान आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक पे डिपेंड थे लेकिन जैसे ही उनकी इकोनॉमिक रिकवरी हुई तो है ना वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे डिपेंड नहीं रहे कौन यूरोप और जापान दस फ्रॉम द लेट नाइनटीन फिफ्टीज़ द ब्रिटेन वूड्स इंस्टीट्यूशन बिगन टू शिफ्ट देयर अटेंशन मोर टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज़ अब जो नाइनटीन फिफ्टीज से ब्रिटेन वूड्स इंस्टीट्यूशन थे वो है ना अपना ध्यान डेवलपिंग कंट्री की तरफ देने लग गए ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन कौन से थे स्टूडेंट्स आई एम एफ फॉर वर्ल्ड बैंक क्योंकि इनको ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं या इनको ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स भी कह देते हैं ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कह देते हैं पहले पार्ट में आ चुका ये तो है ना ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन अब किसकी तरफ ध्यान देने लग गया डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ कब से नाइनटीन से लेट नाइनटीन से एज कॉलोनीज मैनी ऑफ द लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैड बिन पार्ट ऑफ वेस्टर्न एम्पायर्स जितने भी लेस डेवलप्ड रीज़न्स थे वर्ल्ड के वो कॉलोनीज के रूप में किसका पार्ट थे वेस्टर्न एम्पायर्स का मीन्स वो वेस्टर्न एम्पायर्स के गुलाम थे लेस डेवलप्ड रीजन थे जो वर्ल्ड के उनके कॉलोनीज थे जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था नाउ एरोनिकली एज न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज फेसिंग अर्जेंट प्रेशर्स टू लिफ्ट देअर पॉपुलेशंस आउट ऑफ द पावर्टी दे केम अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज डोमिनेटेड बाय द फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स, स्टूडेंट्स अब विडम्बना ये थी कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वर्ल्ड की वो है ना बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट प्रेशर फेस कर रही थी मतलब जो न्यू आज़ाद होने वाली कंट्रीज़ थी वर्ल्ड की उनके ऊपर बहुत प्रेशर था किस चीज़ का टू लिफ्ट उठाने का देर पॉपुलेशन अपनी पॉपुलेशन को आउट ऑफ पावर्टी अपनी पॉपुलेशन को गरीबी से उठाने का या गरीबी से बाहर निकालने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था जो नई कंट्री आज़ाद हुई थी वर्ल्ड की दे केम अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज अपने पीपल को पावर्टी से बाहर निकालने के लिए ये कंट्री इंटरनेशनल एजेंसी के गाइडेंस में आई उनके मार्गदर्शन में आई और ये इंटरनेशनल एजेंसीज पहले किसके अंडर में काम करती थी कॉलोनियल पावर्स के अंडर में काम करती थी मतलब कि इन इंटरनेशनल एजेंसी में कोलोनियल पावर का डोमिनेंस था इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ डिकलोनाइजेशन द फॉर्मर कॉलोनियल पावर स्टिल कंट्रोल्ड वाइटल रिसोर्स सच एज मिनरल्स एंड लैंड इन मैनी ऑफ देयर फॉर्मर कॉलोनीज स्टूडेंट्स डी के कई सालों के बाद भी जब जो आपके ऑफ एशिया और अफ्रीका के देश जो वेस्टर्न नेशन की कॉलोनी थी जब वो आज़ाद हो चुके थे उनके आज़ाद होने के कई सालों के बाद भी कॉलोनियल पावर मीनस जिन पावर्स ने उनको गुलाम बना रखा था वो कॉलोनियल पावर अभी भी उन फॉर्मर कॉलोनीज़ के रिसोर्स पे कंट्रोल किए हुई थी जैसे वहाँ से मिनरल ले जाते थे वो आपके उनकी ज़मीन का भी यूज करते थे तो इतने सालों के बाद भी वो जो कॉलोनियल पावर्स थी उन देशों के आज़ाद होने के बाद भी मीनस फॉर्मर कॉलोनीज़ के आज़ाद होने के बाद भी अभी भी उनके नेचुरल रिसोर्स को लूटने का प्रयास कर रही थी लार्ज कॉरपोरेशन ऑफ अदर पावरफुल कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल द यूएस ऑल्सो ऑफन मैनेज टू सिक्योर राइट्स टू एक्सप्लोइट डेवलपिंग कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स वेरी चीपली लार्ज कॉरपोरेशन ऑफ अदर पावरफुल कंट्री पावरफुल कंट्री की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी उन्हें कंपनियों को क्या बोलेंगे हम लार्ज कॉरपोरेशन तो ये पावरफुल कंट्रीज की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन या कंपनियाँ फॉर्मर कॉलोनीज़ के नेचुरल रिसोर्स को लूटने का अभी भी प्रयास कर रही थी कब जब वो फॉर्मर कॉलोनी आज़ाद हो चुकी थी उनके आज़ाद होने के बाद भी पावरफुल कंट्रीज़ की बड़ी बड़ी कंपनियों का ध्यान उन कंट्रीज़ के नेचुरल रिसोर्स की तरफ था जैसे हम यू का एग्जाम्पल लेते हैं यू एस मैनेज कर गया मीन्स कामयाब हो गया राइट right को सिक्योर करने में कौन से अधिकारों को सुरक्षित रखने में कि वो डेवलपिंग कंट्री को डेवलपिंग कंट्री के नेचुरल रिसोर्स को चीपली एक्सप्लेट कर सके तो यू का ध्यान अभी भी डेवलपिंग कंट्री के नेचुरल रिसोर्स की तरफ था और वो इस राइट को सिक्योर भी कर गया तो आप देख सकते हैं कि जो पावरफुल कंट्रीज़ थी उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ के नेचुरल रिसोर्स को उनके आज़ाद होने के बाद भी लूटना नहीं छोड़ा ऐट द सेम टाइम मोस्ट डिवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ द वेस्टर्न इकनॉमीज एक्सपीरियंस इन द नाइनटीन फिफ्टीज एंड नाइनटीन सिक्सटीज़ स्टूडेंट्स जितनी भी डेवलपिंग कंट्री थी वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्री वो होती हैं जो डेवलपमेंट की तरफ जाने का प्रयास कर रही थी तो इन वर्ल्ड की डिवलोपिंग कंट्रीज़ को नाइनटीन फिफ्टीज और नाइनटीन सिक्सटीज़ में जो भी डिवलपमेंट हुए उनका कोई बेनिफिट नहीं मिला उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न इकोनॉमीज़ को मिला देयर फॉर दे ऑर्गेनाइज दम सेल्ब एज ए ग्रुप द ग्रुप ऑफ सेवेंटी सेवन जी सेवेंटी सेवन टू डिमांड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर न्यो स्टूडेंट्स जितने भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ थी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने अपने आप को जी सेवेंटी सेवन में ऑर्गेनाइज कर लिया मीन्स ग्रुप ऑफ सेवेंटी सेवन में ऑर्गेनाइज़ कर लिया और उन्होंने एक नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड कर दी क्योंकि उन्होंने बोला कि पुराने इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से हमारे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ हम एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चाहते हैं और जी सेवेंटी सेवन में एशिया और अफ्रीका के जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे नए आज़ाद हुए देश थे वो शामिल थे जी सेवनटी सेवन नाइनटीन सिक्सटी फोर में बना जी सेवेंटी सेवन का मीनिंग होता ग्रुप ऑफ सेवेंटी सेवन मीन्स इसमें सेवेंटी सेवन कंट्रीज थी बाई द नियो दे मेंट ए सिस्टम दैट वुड गिव दैम रियल कंट्रोल अवर देयर नेचुरल रिसोर्स मोर डिवलपमेंट असिस्टेंट फेयरर प्राइस फॉर मटेरियल्स एंड बेटर असेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट्स स्टूडेंट्स न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की जो डिमांड की थी सेवनटी सेवन कंट्रीज ने उस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में चार चीज़ें शामिल थी एक तो स्टूडेंट्स जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी और जो जी सेवेंटी सेवन की मेंबर थी उन्होंने कहा कि हमारे नेचुरल रिसोर्स पे हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि उनके नेचुरल रिसोर्स को ताकतवर नेशन लूटने का प्रयास कर रहे थे उनके आज़ाद होने के बाद भी और उनको दूसरी डिमांड उनकी थी कि हमारे को डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंट मिले असिस्टेंट होता स्टूडेंट सहायता मिले और हमारे रॉ मटेरियल के कच्चे माल के फेयर प्राइस भी मिले और जो हमारी मैनुफैक्चर गुड्स हैं जो हमारी बनाई गई चीज़ें हैं कंपनियों में बनाई गई मैनुफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको बेटर असेस मिले डेवलप्ड कंट्री के मार्केट में कि डेवलप्ड कंट्री की गुड्स हमारी कंट्रीज़ में बिकती हैं तो हमारी गुड्स भी डेवलप्ड कंट्री के मार्केट में बिकें तो उनकी ये डिमांड थी नियो के अंडर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता स्टूडेंट्स ये वट आर एम एनसीज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन एम एनसीज आर लार्ज कंपनीज दैट ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज एट द सेम टाइम्स स्टूडेंट्स एम एनसी जिनको हम मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो एक ही टाइम में कई नेशंस में अपना बिजनेस चलाती हैं द फर्स्ट एम एन सीज़ वर एस्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन ट्वेंटीज़ सबसे पहले एम एनसीज नाइनटीन ट्वेंटीज़ में लगी मैनी मोर केम अप इन द नाइनटीन फिफ्टीज़ एंड नाइनटीन सिक्सटीज़ एज़ द यू एस बिजनेस इज एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइज एंड वेस्टर्न यूरोप एंड जापान जापानल्सो रिकॉर्ड टू बिकम पावरफुल इंडस्ट्रियल इकनॉमी स्टूडेंट्स ज़्यादातर एम एनसीज नाइनटीन फिफ्टीज़ और नाइनटीन सिक्सटी में लगी क्योंकि यू एस का बिजनेस फैल गया था वेस्टर्न यूरोप और जापान भी अच्छी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन चुके थे दिस वॉज़ पार्टली बिकॉज हाई इम्पोर्ट टेरिप्स इम्पोज बाई डिफरेंट गवर्नमेंट्स फोस्ट एम एनसीज टू लोकेट देयर मैनुफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड बिकम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इन एज मनी कंट्रीज एज पॉसिबल स्टूडेंट्स पार्टली रूप से पार्टली होता है आंशिक रूप से नाइनटीन फिफ्टीज और नाइनटीन सिक्सटीज़ में एम एनसीज के स्प्रेड होने का एक मेन रीज़न ये भी था कि बहुत से कंट्रीज़ की गवर्नमेंट एम द्वारा बनाई गई गुड्स के ऊपर इम्पोर्ट टैरिफ लगा देती थी इम्पोर्ट टैरिफ क्या होता है बॉर्डर के ऊपर लगने वाला एक टैक्स होता है तो एम ऐसी लोकेशन अपने लिए तलाशती थी जहाँ पे वो इन टैरिफ से बच सके और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो चला सकें और कई कंट्रीज़ के अंदर वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के रूप में काम करती थी जैसे उस कंट्री में वो गई वहाँ पे प्रोडक्शन किया वहीं के लोगों को रोज़गार दिया वहीं के लोगों को नई नई टेक्निक सिखाई और वहीं की मार्केट का यूज़ अपना सामान बेचने के लिए कर लिया तो ये होता है डोमेस्टिक रूप से प्रोडक्शन करना तो ये तरीके थे एमएनसीज़ के फैलने के 1950s और 1960s में टैरिफ़ टैक्स इम्पोज ऑन ए कंट्रीज़ इम्पोर्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टूडेंट्स जब कोई कंट्री दुनिया के दूसरे हिस्सों से इम्पोर्ट होने वाली गुड्स के ऊपर टैक्स लगाती है उसको टैरिफ बोलते हैं मीन्स जब उस कंट्री में दुनिया के किसी दूसरे हिस्से से या दूसरे देशों से गुड्स आती हैं इम्पोर्ट होती हैं तो वो कंट्री उसके ऊपर टैक्स लगाती है तो इम्पोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैरिफ और टैरिफ लेविट एट द पॉइंट ऑफ एंट्री एट द बॉर्डर और द एयरपोर्ट स्टूडेंट्स जो टैरिफ हैं वो एंट्री पॉइंट पर लगाए जाते हैं जहाँ से सामान की एंट्री होती है जैसे बॉर्डर और एयरपोर्ट से फोर पॉइंट फोर एंड ऑफ ब्रिटेन बोर्ड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टूडेंट्स ब्रिटेन वड्स सिस्टम का एंड हो जाता है और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है ब्रिटेन वुड्स अमेरिका में एक जगह है स्टूडेंट्स जहाँ पे ब्रटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस में दो इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा आईएमएफ इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को ब्रटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस या बर्टेन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है डिस्पाइट ईयरस ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ नॉट ऑल वॉज वेल इन दिस पोस्ट वार वर्ल्ड स्टूडेंट्स स्टेबल और रैपिड ग्रोथ के बावजूद भी पोस्ट वार वर्ल्ड में सब कुछ सही नहीं चल रहा था पोस्ट वार वर्ल्ड कौन सा हो गया स्टूडेंट्स जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का टाइम या सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की जो दुनिया थी उसको बोलते हैं पोस्ट वार वर्ल्ड स्टूडेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ कंट्रीज़ में काफ़ी स्टेबल और रैपिड ग्रोथ हुई लेकिन उन कंट्रीज़ में अब सब कुछ सही नहीं चल रहा था स्टेबल होती है स्थिर और रैपिड क्या होता है काफ़ी तेज गति से फ्रॉम द नाइनटीन सिक्सटीज द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट्स वीकेंड द यू एस फाइनेंसिस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स नाइनटीन सिक्सटीज से यूएस फाइनेंशली रूप से और कॉम्पिटिटिव रूप से कमजोर पड़ जाता है मींस उसका फाइनेंशियल सिस्टम भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है फाइनेंशियल होता है पैसे से रिलेटेड और अब वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ इतना कंपटीशन करने के काबिल भी नहीं रहता है क्यों यूएस को फाइनेंशियल और कंपटीशन के मामले में लॉस हुआ या वो कमज़ोर पड़ा वीक हो गया नाइनटीन सिक्सटीज़ के बाद क्योंकि यूएस ओवरसीज़ एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहने लग गया दूसरे देशों में जो गतिविधियाँ होती थी उन गतिविधियों में वो ज़्यादा शामिल रहता था और इन पे पैसा बहुत लगता था राइजिंग कॉस्ट थी उनकी और यही रीज़न था कि यूएस फाइनेंशियली रूप से और कॉम्पिटिटिव रूप से कमज़ोर पड़ गया नाइनटीन सिक्सटीज़ में द यू एस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी स्टूडेंट्स यू एस डॉलर अब वर्ल्ड की प्रिंसिपल करेंसी नहीं रहा अब वो वर्ल्ड की दूसरी करेंसी को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कमांड नहीं कर रहा था उनको चला नहीं रहा था अब और दूसरी कंट्रीज़ की जो करेंसी थी वो भी मज़बूत हो गई थी इट कुड नोट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड स्टूडेंट्स यूएस डॉलर गोल्ड के साथ भी अपना रिलेशन बरकरार नहीं रख पाया गोल्ड के साथ उसके रिलेशन में भी फ्लक्चुएसन आने लग गई उतार चढ़ाव आने लग गए जैसे मैंने पहले बताया था कि फ़िक्स एक्सचेंज रेट में वन ऑन्स ऑफ गोल्ड थर्टी फाइव यू डॉलर के फिक्स रहता था लेकिन अब वो फ़िक्स एक्सचेंज रेट टूट चुकी थी दिस इवेंचुअली लेड टू द कोलेप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जैसे ही यू डॉलर में फ्लक्चुएसन आया गोल्ड के साथ उसके रिलेशन में फ्लक्चुएसन आया और वो वर्ल्ड की प्रिंसिपल करेंसी नहीं रहा तो इससे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को हो गई एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का सिस्टम शुरू हो गया मीन्स ऐसी एक्सचेंज रेट में करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है दूसरी करेंसी की कंपेयर में आप कहना उसका फिक्स वो नहीं रहता उसमें उतार आता रहता है जैसे हमने कहा था यूएस डॉलर रुपीज के रिलेशन में फिक्स था जैसे इतने एक डॉलर में इतने रुपीज आएंगे तो वो फिक्स था अब वो फिक्स एक्सचेंज रेट ख़त्म हो चुकी थी अब डॉलर ऊपर नीचे होने लग गया था इसको बोलते हैं फ्लोटिंग फ्राम द मिड नाइनटीन सेवेंटीज़ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम आल्सो चेंज्ड इन इम्पोर्टेंट वेज स्टूडेंट्स मिड नाइनटीन सेवनटीज से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम महत्वपूर्ण तरीके से चेंज होने लग जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनस कंट्रीज़ को लोन देते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल होता है पैसे से रिलेटेड अर्लियर डेवलपिंग कंट्रीज को टर्न टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर लोन्स एंड डेवलपमेंट असटेंट्स स्टूडेंट पहले डेवलपिंग कंट्री डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए और लोन के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन्स कौन से हो गए जैसे आई एम एफ वर्ल्ड बैंक ये सभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन थे तो शुरुआत में अर्लियर या पहले डेवलपिंग कंट्री लोन किससे लेती थी और डेवलपमेंट के लिए सहायता किससे लेती थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बट नाउ दे वर फोर्स टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स लेकिन अब डेवलपिंग कंट्री ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना बंद कर दिया अब वो फोर्स हो गई मजबूर हो गई टू बोरो उधार लेने के लिए वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से पहले तो स्टूडेंट्स डिवलोपिंग कंट्री लेती थी लोन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकिन अब वो किससे लेने लग गई वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स जो वेस्टर्न कंट्री के बैंक्स थे जो बिजनेस पर्पज़ के लिए लोन देते थे उनको बोलते थे वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो कमर्शियल या बिजनेस पर्पज़ के लिए लोन देते हैं और किससे लोन लेने लग गई कंट्रीज प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कुछ प्राइवेट उधार देने वाली संस्थाएं भी थी उनसे लेने लग गई एक बार फिर बताता हूँ पहले तो डेवलपिंग कंट्री लोन लेती थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी जैसे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक लेकिन 19 उसके बाद में सेवेंटीज़ के बाद में किससे लेने लग गई ये लेने लग गई आपके वर्ल्ड वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से दिस लेड टू पीरियोडिक डेट क्राइसिस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इससे है ना आपके डेट की प्रॉब्लम बढ़ गई डेवलपिंग कंट्रीज में जो डेट का संकट था वो बढ़ गया क्योंकि वो प्राइवेट संस्थाओं से और बैंकों से लोन लेने -ले ले लग गई और इंस्टीट्यूशंस थे जो इंटरनेशनल उनसे लोन वो नहीं लेती थी तो प्राइवेट कोई भी इंस्टीट्यूशन जब लोन देता किसी को तो वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाता है तो वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लेने का नुकसान क्या हुआ डेवलपिंग कंट्री को कि वो डेट में फंस गई मींस कर्ज में फंस गई और लोअर इनकम भी हो गई उन कंट्री में इसके साथ साथ पॉवर्टी भी बढ़ गई और ये कहाँ पे हुआ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो हिट बाई अन्प्लॉयमेंट दैट बिगन राइजिंग फ्रॉम द मिड नाइनटीन सेवेंटीज़ एंड रिमेंड हाई अंटिल द अर्ली नाइनटीन नाइन्टीज स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल वर्ल्ड उन कंट्रीज़ को बोलेंगे जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज़ लग चुकी थी तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में मिड नाइनटीन सेवेंटीज़ में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट आ गया बेरोज़गारी बढ़ गई और ये बेरोज़गारी अर्ली नाइनटीन नाइन्टीज़ तक रही फ्रॉम द लेट नाइन्टीन सेवेंटीज़ एम एन सीज़ ऑल्सो बिगन टू शिफ्ट प्रोडक्शन ऑपरेशन टू लो वेज एशियन कंट्रीज स्टूडेंट्स लेट नाइनटीन सेवेंटीज़ से एम एन सीज़ ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे स्थापित करनी शुरू कर दी थी मीन्स अपनी फैक्ट्रियाँ कहाँ पे लगानी शुरू कर दी थी लो वेज एशियन कंट्रीज़ में जिन एशियन कंट्रीज़ में मजदूरी कम होती थी वहाँ पे एम ने मिड नाइनटीन सेवेंटीज से अपने प्रोडक्शन ऑपरेशन चलाने स्टार्ट कर दिए थे या अपने प्लांट लगाने शुरू कर दिए थे चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्राम द पोस्ट वार वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट्स रिवोल्यूशन इन नाइनटीन स्टूडेंट्स चाइना में 1949 में रिवोल्यूशन हुई रिवोल्यूशन के टाइम से ही चाइना ने अपने आप को पोस्ट वार वर्ल्ड इकॉनमी से कट ऑफ कर लिया मींस अलग कर लिया वो वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट नहीं रहा जब 1949 में उसमें रेवोल्यूशन हुई बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना एंड द कोलेप्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप ब्रॉट मैनी कंट्रीज़ बैक इन टू द फोल्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनमी स्टूडेंट्स चाइना ने नाइनटीन सेवेंटी के बाद में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट कर दी और जैसे ही उसने नई इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट की नाइनटीन के बाद वो वापस फिर वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट बन गया और भी कुछ देश वर्ल्ड इकोनॉमिक का पार्ट बने चाइना के अलावा नाइनटीन के बाद वो कौन से देश थे स्टूडेंट्स जो कंट्रीज़ सोवियत यूनियन का पार्ट थी और जिनमें सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट थी तो वो कंट्रीज़ भी वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट बनी आपको पता है 1991 वन में सोवियत यूनियन मीन्स रशिया टूट गया और उसमें से फिफ्टीन नई कंट्रीज़ बनी स्टूडेंट्स जो वो न्यू कंट्री थी जो रशिया में से बनी थी वो कंट्री भी नाइनटीन के बाद चाइना की तरह वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट बन गई तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी में चाइना और दूसरे देश आए इस चीज़ का आप इसमें ख्याल रखेंगे वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज लाइक चाइना चाइना में नाइनटीन सेवेंटीज़ में डेवलपमेंट होने का स्टूडेंट्स एक रीज़न ये था कि चाइना में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ वहाँ पे इन्वेस्ट करने लग गई कंपनी इन्वेस्ट चाइना में क्यों करने लग गई नाइनटीन सेवेंटीज के बाद क्योंकि चाइना में दूसरी कंट्रीज की कंपेयर में वेजिज मजदूरियां कम थी या लो थी दस दे बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एमएनसीज कंपीटिंग टू कैचर वर्ल्ड मार्केट स्टूडेंट्स चाइना एमएनसीज के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया और ज़्यादा से ज़्यादा एम एन सीज़ वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने लग गई क्यों क्योंकि वहाँ पर मज़दूरियाँ कम थी और एम एन सीज़ को ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना थी और ये एम वर्ल्ड मार्केट पर कैप्चर करने के लिए एक दूसरे से कम्पीट कर रही थी एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कंपटीशन कर रही थी और हर कंपनी वर्ल्ड मार्केट पे अपना प्रभाव जमाना चाहती थी तो चाइना में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नाइनटीन सेवेंटीज़ के बाद में ये रीज़न था कि चाइना में ज़्यादा से ज़्यादा एम इन्वेस्टमेंट करने लग गई क्योंकि चाइना में लो वेज थी और एम यही चाहती थी कि उनको वर्कर्स का जो आपके पैसा है या उनकी सैलरी है कम से कम देना पड़े और उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो हैव यू नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द टीवीज मोबाइल फ़ोन्स एंड टॉयज वी सी इन द शॉप्स सीम टू बी मेड इन चाइना हम टीवीज मोबाइल फ़ोन्स टॉयज शॉप्स में देखते हैं तो मैक्सिमम चाइना के ही देखते हैं कि वो चाइना में बने होते हैं चाइना का इतना माल क्यों आता है हमारी कंट्री में और दूसरी कंट्री में भी क्यों जाता है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी का जो है ना स्ट्रक्चर है प्रोडक्शन का वो काफ़ी लो कॉस्ट है मींस वहाँ पे प्रोडक्शन करने में कम से कम पैसा लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स लो वेजेस और लो कॉस्ट स्ट्रक्चर का एक एग्ज़ाम्पल और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या है चाइना में मजदूरियाँ बहुत कम हैं मजदूरों की और वहाँ पे कंपनीज को बेनिफिट ज़्यादा होता है और कम मजदूरी में वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाता है इसी वजह से चाइना ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन कर पाता है और उनको वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा मात्रा में भेज पाता है द रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज स्टेमलेट वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज़ स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रिलोकेट होने लग गई मीन्स रिच कंट्री में से पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडस्ट्री जाने लग गई जैसे पिछले पैसेज में आपने पढ़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी चाइना में जाने लग गई देवी रखा देखिए इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट होने लगी लो वेजिज कंट्री में जहाँ पर मजदूरियाँ कम थी और जब इंडस्ट्री लो वेज़िज कंट्री में रीलोकेट दोबारा से लगने लग गई री का मतलब होता दोबारा से तो उसका रिजल्ट क्या हुआ उसने किस चीज़ को स्टिमुलेट कर दिया बढ़ा दिया उसने वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ा दिया और कैपिटल फ्लोज कैपिटल का फ्लो भी काफ़ी तेज़ हो गया कैसे क्योंकि कैपिटल का फ्लो अब लो वेजेज कंट्री में पुअर या डेवलपिंग कंट्री में होने लग गया तो इंडस्ट्री के लोकेशन ने लो वेज कंट्रीज में किस चीज को स्टिमुलेट कर दिया वर्ल्ड ट्रेड और कैपिटल के मूवमेंट या फ्लो को इन द लास्ट टू डेकेड्स द वर्ल्ड इकोनॉमिक जोग्राफी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज कंट्रीज सच एज इंडिया चाइना एंड ब्राज़ील हैव अंडरगोन रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट टू डेकेड्स पिछले बीस सालों में वर्ल्ड इकोनॉमिक जोग्राफी ट्रांसफॉर्म हो गई है क्योंकि इंडिया चाइना और ब्राज़ील जैसे देशों में बहुत ही तेज़ गति से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं मींस इकोनॉमिक चेंज हो रहे हैं न्यू वर्ड्स एक्सचेंज रेट्स दे लिंक नेशनल करेंसीज फॉर परपजेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड देर आर ब्रॉडली टू काइंडस ऑफ एक्सचेंज रेट्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट स्टूडेंट्स एक्सचेंज रेट एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड के पर्पजेज से नेशनल करेंसीज़ को लिंक करता है मींस इंटरनेशनल ट्रेड के उद्देश्य से जो सिस्टम नेशनल करेंसीज़ देशों की करेंसीज़ को जोड़े उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट मुख्य रूप से टू टाइप के एक्सचेंज रेट होती हैं एक फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स व्हेन एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स्ड एंड गवर्नमेंट्स इंटरवेन टू प्रिवेंट मूवमेंट्स इन देम जब स्टूडेंट्स एक्सचेंज रेट फिक्स होती है और उस एक्सचेंज रेट में मूवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जैसे ब्रिटेन वोड सिस्टम फिक्स एक्सचेंज रेट पे डिपेंड था यूएस डॉलर की जो कीमत थी वो रुपए की कंपेयर में फिक्स कर दी गई फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स दीज रेट्स फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज़ इन फ़ॉरन एक्सचेंज मार्केट्स इन प्रिंसिपल विदाउट इंटरफ़ेरेंस बाई गवर्नमेंट स्टूडेंट्स फ्लोटिंग और फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट्स वो होती हैं जो फ्लक्चुएट होती रहती हैं मीनस ऊपर नीचे होती रहती हैं डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग किसकी डिमांड और सप्लाई करेंसी की फ़ॉर एक्सचेंज मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होती रहती है अपने आप ही उसको क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स और इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है किस सिद्धांत पे काम करती है विदाउट इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसमें नहीं होगा ये इस प्रिंसिपल पे इस सिद्धांत पे काम करती है